कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 17 लोग संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के आए हैं, जबकि 12 लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर गए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, इन 17 में भोपाल से 9 और इंदौर से 5, बाकी प्रदेश में सिर्फ अशोक नगर से 1 और 2 जबलपुर में, ऐसे 17 हैं। अब 124 कुल एक्टिव केस मध्य प्रदेश में कोरोना के बचे। संक्रमण दर हमारी 0.03% है, जबकि रिकवरी दर स्थिर 98.6 बनी हुई है। कल 56,633 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के लिए गए। एक विषय और मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जो जवान हैं होमगार्ड के, SDERF के, ये दोनों जो जवान थे अभी तक इन्हें ड्यूटी के दरमियान में जैसे 8 घंटे हो जाते थे पूर्ण, तो नाश्ता और भोजन वगैरह नहीं मिलता था। तो इस बार के बजट में हम 25-25 लाख का दोनों के लिए, SDERF के लिए और होमगार्ड के जवानों के लिए प्रावधान कर रहे हैं कि अब इन्हें नाश्ता और भोजन भी दोनों मिलेगा। मैं अंदर लाओ गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ महंगाई हटाओ, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और जब तक इनकी सरकार रही इनने कभी महंगाई नहीं हटाई, गरीब नहीं हटाए, गरीब हटते चले गए, गरीबी नहीं हटी। ये कांग्रेस है वो अब महंगाई पे बात कर रही है ना, अचंभे वाली बात। जब खुद आए थे तो पेट्रोल के दाम बढ़ाए, डीजल के दाम बढ़ाए। इन्हीं कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम कम करेंगे, लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसने घोषणा पत्र में लिखा और उल्टा किया। यहाँ भी वितरण की दिक्कत देखिए, अलग अलग जिलों में अलग अलग आ रही है। इसका मतलब ये है कि जहां पर इस तरह की आती है वहां समाप्त भी हो जाती है, कहीं भी कोई जिला निरंतर नहीं इसमें चल रहा है, और इसलिए देवास की भी समस्या ध्यान देंगे और समाप्त करेंगे।